स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 12 में विषय बायोलॉजी का क्यूज अभ्यास जो कि वीक 31 5 फरवरी 2022 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने गणित का भी कर लिया है, अगर आपने गणित का नहीं देखा है जरूर देखें। इनमें से कौन सा घटक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा? तीसरा हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोसक्रा नाइट्रोजन क्षार। अगला है, एक प्रसिद्ध प्रयोग ने प्रदर्शित किया कि डीएनए वायरल प्रकृति को निर्दिष्ट करता है। यह सबूत प्रदान करता है कि डीएनए अनुवांशिक सामग्री है। इस प्रयोग में कौन से वैज्ञानिक सीधे तौर पर शामिल थे? अल्फर्ड हर्से एंड मोर्था चेस। अगला है, ग्रिफिथ प्रयोग ने दिखाया कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के एक रोग कारक प्रभेद को तापमृत करके दूसरे प्रभेद से संयुक्त करने पर मिश्रित प्रभेद रोग कारक हो गया है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ की टिप्पणियों पर एवरी मिक्लियोथ मैकार्टी प्रयोग का विस्तार कैसे हुआ? पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है, औसत मानव कोशिका के नाभिक में लगभग 30 मिलियन मोती जैसी संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक मोती में लगभग 200 बीपी डीएनए होते हैं जो कि प्रोटीन अष्टक के चारों लिपटे होते हैं। मोती संरचना की प्रतिनिधित्व कौन करता है? न्यूक्लियोसोम। अगला प्रश्न है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर यूक्रोमैटिन कोशिका के भीतर ढीले ढाले हल्के अभिरंजित होते हैं। दूसरी ओर हेटरोक्रोमैटिन को अधिक सघन रूप से पैक और गाढ़े रंग को दिखाते हैं। तो यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन रूप से सक्रिय क्यों है जबकि हेटरोक्रोमैटिन नहीं है? उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला है, डीएनए का प्रमुख और बेहतर अनुवांशिक इकाई क्यों माना गया है? उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। अगला है, एचआईवी और अन्य रेट्रोवायरस को दोहराने से पहले मेजबान सेल डीएनए की एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। तो एचआईवी के उपचार में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नामक एंजाइम के अवरुद्ध कर देते हैं। तो एंजाइम को अवरुद्ध करके इनमें से क्या रोकते हैं? उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला है, एचआईवी में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन वायरस को लक्ष्य कोशिका की झिल्ली के साथ बांधने और फ्यूज करने में सक्षम बनाते हैं। इसके बाद वायरस एक पदार्थ को कोशिका में पहुंचा कर इसे संक्रमित करता है। तो वायरस अपने लक्ष्य कोशिका में क्या पहुंचाता है? आरएनए। अगला है, चिकित्सा परीक्षणों से इस बात की पुष्टि होती है कि संदिग्ध कैंसर रोगी को मल्टीग्रेन ट्यूमर है। तो डॉक्टर द्वारा मरीज को इनमें से कौन सी जानकारी देना चाहता है? उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला है, पड़ोस में प्रकोप शुरू होने के बाद एक बच्चा चिकन पॉक्स ग्रस्त हो गया, उसके उपार्जित प्रतिरक्षा वायरस से लड़ने में कैसे मदद करेगी? चिकन पॉक्स वायरस विशिष्ट एंटीबॉडी के उत्पादन द्वारा। अगला है, एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के दौरान बी और टी लिम्फोसाइट्स निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाते हैं? एंटीबॉडीज के निर्माण में टी व बी लासिका कानों की सहायता करती है। अगला है, काटने और खरोंच के माध्यम से वायरस के संभावित जोखिम से खुद को बचाने के लिए पशु संचालक को रेबीज के टीके लगवाए जाते हैं। यदि एक असंक्रमित व्यक्ति को पागल जानवर को काट दिया जाता है तो वैक्सीन के प्रभावी होने के कारक कौन सा पदार्थ रेबीज वायरस के खिलाफ तत्काल विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करता है? उत्तर हो जाएगा चौथा। ये था हमारा पूरा आज का बायोलॉजी का क्यूज अभ्यास। जुड़ रही चैनल से, धन्यवाद।